हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक। आई होप आपको मेरा ये मेकअप पसंद आएगा। मेरी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब कीजिए आप, फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। मॉइस्चराइजर करने के लिए मैं यहाँ पर ममाअर्थ विटामिन सी का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मैं मेबलिन फाउंडेशन को अपने फेस और नेक दोनों पर अप्लाई कर लूंगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस को डैब डैब करके ब्लेंड कर लूंगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूंगी और उसे भी अपने फेस पर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं अपने फेस को सेट करने के लिए लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ और इसे ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी। अब मैंने आईब्रोज को फिलअप करने के लिए यहाँ पर स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ली है, जिससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। आईब्रोज को फिल करने के बाद अब मैं एक स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। मैं एक आई पैलेट में से डार्क पिंक शेड को पिक करूंगी। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इस पिंक शेड को अपनी पूरी आई पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैं पैलेट में से ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड को पिक करूंगी। अब इस शेड को मैं अपनी आई के कॉर्नर पर लगाते हुए अंदर की तरफ धीरे धीरे ब्लेंड कर लूंगी। हल्का हल्का ब्लेंड करने के बाद इसे मैं एक स्मजर की ब्रश से अच्छे से पूरी आई पर ब्लेंड कर लूंगी। मैं कंसीलर को एक ब्रश की हेल्प से अपनी आई के इनर कॉर्नर से लेकर अपनी आई के मिडल तक कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, जिससे मैं उसके बाद कोई भी आई शेडो लगाऊं तो वो अच्छे से पॉप अप हो सके। मैं एक डस्टी आई शेडो लूंगी और उसे अपने कंसीलर पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये आई शेडो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैंने आईलाइनर ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था तो अब मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। अपने मस्कारा को 2-3 कोट में अप्लाई करूंगी, जिससे कि मेरे आईलैशेस में अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। मैं अपनी आंखों में काजल अप्लाई कर लूंगी और इसके लिए मैं लैक्मे आइकॉनिक का काजल यूज कर रही हूँ। मैं ब्लशर अप्लाई करूंगी। ब्लशर अप्लाई करने के लिए गाइस बस आप स्माइल करते रहिए और वहां पर अपना ब्लश लगाते जाइए, आपका ब्लश अच्छे से अपनी सही जगह लग जाएगा। अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज करूंगी, तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ। उसे मैं अपने नोज पर, चिक्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे से मेरी कोई अच्छी वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो पाए। और मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन कौन से मेकअप लुक देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।